पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नैब को खत के जरिए बुलाने का फैसला। जावेद इकबाल की अदम शिरकत पर इजलास मौखर किया। राणा तनवीर की गुफ्तगू, तमाम अरकान का इजलास ओपन रखने का मुतालबा। ब्रीफिंग सबके सामने होनी चाहिए। शहरी रहमान। चेयरमैन नैब पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी में पेश नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन नैब की जगह डीजी नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग देने की मंजूरी दी। नैब हुकाम का सेक्रेटरी कौमी असेंबली को खत। ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुका है। ये स्टेट बैंक को IMF के गिरवी रख रहा है। इमरान नियाजी जिसने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट आई उसका मेकअप उतरा तो अंदर से एक नहायत भयानक पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से बैरूनी फंडिंग हासिल करने का चेहरा सामने आया है। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तीसरे रोज भी गूंज। इमरान नियाजी ने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, रिपोर्ट ने चेहरा बेनकाब कर दिया। ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुके। वक्त आ गया कौम फ्रॉड करने वालों का एहतसाब करे। एहसन इकबाल की ललकार। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला कतरा। पीटीआई ने फंड्स को कम दिखाया, दर्जनों बैंक अकाउंट्स छुपाए। इस हेराफेरी की तह तक पहुंचना अशद जरूरी है। तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। हमजा शहबाज। DGIS PR के बयान की तायीद। किसी इदारे या एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील की गुफ्तगू में शामिल नहीं। नवाज शरीफ किसी डील का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनकी करप्शन पूरी दुनिया पर आया हो चुकी। राणा सनाउल्लाह। दुबई के क्रिकेट क्लब से पीटीआई को 2.1 मिलियन डॉलर की फंडिंग। सवाल ये पैदा होता है कि क्रिकेट क्लब ने तरीके इंसाफ को इतनी फंडिंग क्यों की। कानून के मुताबिक कंपनी किसी सियासी जमात को फंडिंग नहीं कर सकती। अकबर एस बाबर। चार लेन हाईवे की तामीर पर नून लीग हुकूमत के मुकाबले में 138% लागत कम। रेवेन्यू बढ़ा। 5 अरब रुपए से जायद की जमीन कब्जा माफिया से छुड़ाई। आलमी महंगाई के बावजूद ये कामयाबी काबिले तहसीन है। वजीर आजम का ट्वीट, कौमी पैसा बचाने पर NHA और वजारत मुवासलात को मुबारकबाद। जो सड़कें नवाज शरीफ बना गए वो किसी वजीर आजम ने नहीं बनाई। आपको गैर कानूनी फॉरन फंडिंग का जवाब देना था, सड़कों पर ट्वीट नहीं। इमरान साहब, कौम को आपके बेतुके भाषण नहीं, इस्तीफा चाहिए। मरियम औरंगजेब का रद्दे अमल। अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। मुल्क में PDM की इंतशार फैलाने की सियासत नहीं चलेगी, यहां सिर्फ खिदमत की सियासत को पजीराई मिलेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजार की अराकी ने पंजाब से गुफ्तगू। चीन से 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। रवा माह मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में ज्यादा कीमत के बावजूद किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। फवाद चौधरी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $3 अरब से जायद रकम भिजवाई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वजीर आजम पर एतमाद की माजी में मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत ओवरसीज को सहूलियात देने का सफर जारी रखेगी। वजीर मुमलिकत फरूख खबीर। कोरोना की पांचवी लहर का जोर। कराची में केसेस यकदम बढ़ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.23% तक पहुंच गई। शहर कायद में ओमिक्रॉन के 200 से जायद केसेस की तस्दीक। ओमिक्रॉन तेजी से पंजे गाड़ने लगा। पंजाब में 43 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी मजीद 36 अफराद मुतासिर।
खैबर पख्तूनख्वा में भी नए वेरिएंट के 6 केसेस रिपोर्ट। वायरस से बचाव के लिए हुकाम का वैक्सीनेशन पर जोर। कोरोना फिर बढ़ने लगा, मुस्बत केसेस की शरह 2.32% पर पहुंच गई। मोहलिक वायरस से मजीद 5 अफराद जान बहक। अब तक 28,955 अमवात, 24 घंटों के दौरान 1,085 नए मरीज। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत नहीं चला रही, वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है, अपनी रियासत। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जरदारी साहब को सिंध और खास तौर पर शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए हैं। सबको पता है कि आज पीटीआई की हुकूमत जरदारी साहब की मरूने मिन्नत है। जब आप इस वफाकी हुकूमत के रोमांस से बाहर आएंगे और आपको मुल्क ठीक करने का ख्याल आएगा तो ऐसा ना हो कि सिंध में बहुत देर हो चुकी हो। सिंध के हालात काबू से बाहर, ध्यान ना दिया तो मामलात मजीद बिगड़ जाएंगे। जरदारी साहिब सूबे में क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए। आज पीटीआई हुकूमत जरदारी की मरहूने मिन्नत है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के बलदियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में 7वें रोज भी धरना। मुतनाजा कानून वापस लेने का मुतालबा। खरबों रुपए का बदर करप्शन की नजर। ये बलदियाती हुकूमत को इख्तियार नहीं देना चाहते। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। अली जैदी से मियां मोहम्मद सोमरू और अमीनुल हक की मुलाकात। विफाकी वुजरा का सिंध बलदियाती तरमीमी बिल पर तहफुजात का इजहार। पीपल्स पार्टी के काले कानून के खिलाफ सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। विफाकी वजीर बहरी उमूर की गुफ्तगू। शहर कायद में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कराची में स्नैप चेकिंग के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, असलहा और दीगर सामान बरामद। लियारी गैंग वॉर के मुलजिमान अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस हुक्काम। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। केच पसनी में इमरजेंसी नाफिस। गवादर आफत जदा करार। सिब्बी, मस्तूंग, किल्लात, खुजदार, लसबेला, नसीराबाद के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बेशतर इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची में कहीं बूंदाबांदी कहीं बारिश। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद में बादल बरस पड़े। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सवात में आसमान से गिरती बर्फ से नजारे हसीं। रुई के सफेद गालों से कालाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लग गए। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की ये वादी में डेरे। बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक कर लुत्फंदोज। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंजर है हर तरफ, और हर तरफ बर्फबारी हो रही है और हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इतने स्ट्रेस से निकल के, शहरी इलाकों से निकल के यहाँ पे आते हो, पहाड़ों में बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने आते हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इंजॉय करते हो आप यहाँ पे आके? हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है। नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में सुबकी का सामना। जिला फिरोजपुर के किसानों ने भारतीय वजीर आजम को जलसा करने से रोक दिया। गाड़ी के सामने आकर नारेबाजी। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 325 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 90,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,82,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 54,83,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 1,802 अमवात। रूस 828, पोलैंड 632, जर्मनी 431 और बरतानिया में 343 अफराद जान से गए।
पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए कोरोना एसओपी तैयार। 20 रुकनी स्क्वाड में से 8 खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट मस्बत आने पर भी मैच हो सकेगा। बायो सिक्योर बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज। नोवाक जोकोविच का वीजा मंसूख, ऑस्ट्रेलिया दाखले से रोक दिया गया। कोरोना वैक्सीन और वीजे की दुरुस्ती से मुतल्लिक पूछगछ। टेनिस स्टार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। बरतानिया में ओमिक्रोन का फैलाव तश्वीशनाक। इंग्लिश फुटबॉल लीग में लिवरपूल और आर्सेनल का मुकाबला मंसूख। मुतअद्दिद खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आने पर मुश्किल फैसला किया लीग इंतजामिया। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट, स्पेन और पोलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन ने सर्बिया और पोलैंड ने अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर इवेंट से आउट कर दिया। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे करेगी, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। इंतहाई पूरा एतमाद दिखाई दिए वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा कि इन करप्शन ज़दा पार्टियों से तो बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं। अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लाना चाहती है तो ज़रूर ले आए। आर्मी चीफ को मज़ीद तौसी देने से मुतालिक उनका कहना था कि इससे मुतालिक अभी सोचा नहीं, नवंबर काफ़ी दूर है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके फ़ौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तमाम तर शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बताइएगा मजीद क्या कहा वजीर आजम इमरान खान ने? जी बिल्कुल, आजकल यही अहम मौजू ज़ेर बहस हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि थोड़ा वक्त दे दें, बराह रास्त पूछ सकें कि क्या वाकई वो परेशान हैं, क्योंकि आजकल आपको सुनने को मुख्तलिफ खबरें मिल रही हैं कि डील हो रही है, हुकूमत जा रही है और प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है असम्बलियाँ भी तोड़ दें। तो सबसे पहला सवाल मैंने यही पूछा कि क्या आप अपने 5 साल पूरे होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफा होगा कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे 5 साल पूरे करेगा। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कम से कम बज़ाहिर किसी भी सतह से कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, तमाम इत्तेहादी साथ हैं और हम बिल्कुल अपने 5 साल पूरे करेंगे। उसके बाद सवाल के जी जो आजकल एक और मौजू ज़ेर बहस है कि जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने या ना देने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, कल DGSPR ने इसके ऊपर काफी क्लैरिफिकेशन भी दी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि अभी साल शुरू हुआ है, नवंबर अभी बड़ी दूर है, क्या क्या परेशानी क्या है, जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। हाँ, अलबत्ता एक हवाले से बड़े परेशान मुझे लगे जब मैंने सवाल किया और उसके ऊपर उनके पास कोई वाज़ह जवाब नहीं था, वो ये कि जी आपकी हुकूमत आई थी एहतसाब का नारा लेके कि जी मुल्क के अंदर हम एहतसाब करेंगे, लेकिन अब आपकी हुकूमत को सिर्फ 17-18 महीने बाकी रह गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा जो आपके मुताबिक आपके जो दावे थे कि जी अपोजिशन के बड़े लोग जो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो तो सारे बिल्कुल आज़ाद हैं, घूम फिर रहे हैं। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि बिल्कुल ये हमारी हुकूमत की आप सबसे बड़ी नाकामी आप समझ लें, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने दलील ये दी कि नैब है, नैब केसेस लेके जाता है अदालतों के सामने, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन नहीं होती, बाकी भी जो मुख्तलिफ मामलात अदालतों के अंदर जाते हैं केसेस, तो वहाँ से फिर अदालतों का सारा मामला है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो आजकल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से FIA ने जो एक तहकीक शुरू की हुई है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पुरउम्मीद थे और वो कह रहे थे कि अब जिस तरह के शवाहद सामने आ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी सतह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बच पाएंगे। अब इसके ऊपर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, अदालतों के फैसले। आपने बताया कि वज़ीर आज़म का कहना था खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। पंजाब से मुतालिक क्या कहा वज़ीर आज़म ने? क्या वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल, मैंने पूछा कि जी लोग ये पूछ रहे हैं कि जब पेशावर में आपकी पार्टी हार गई है तो लाहौर में किस तरह जीतेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ये बात मानी कि जी पेशावर के अंदर और ख़ासतौर पर KP के अंदर जो अभी पहले फेज़ के अंदर इंतखाबात हुए हैं, वहाँ पे हारना पार्टी के लिए बहुत एक बड़ा पार्टी को नुकसान पहुँचा है, डेंट पहुँचा है, लेकिन हैरानकुन तौर पर उस्मान बुज़दार साहब अभी भी
उनको प्यारे हैं, दुलारे हैं। वो कह रहे थे कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, उनके बहुत सारे अच्छे काम हैं, उनको प्रोजेक्शन नहीं मिल रही, वो मीडिया के सामने इस तरह से उस प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। वो पुरउम्मीद हैं कि पंजाब के अंदर जब बलदियाती इंतखाबात होंगे तो उनकी पार्टी एक अच्छी पोजीशन के साथ सामने आएगी। अब जाहिर है, अब टाइम थोड़ा है उस्मान बुजार्ग साहब को चेंज करना। मेरे ख्याल में जो माजी के अंदर खबरें आती रहीं कि शायद उनको चेंज कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात जो है बिल्कुल सामने नहीं आई। एक और अहम सवाल जो मैंने पूछा, क्योंकि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजिकली काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है अमरीका और चाइना के दरमियान, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी जाहिर है हमारे चाइना के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल सारी दुनिया के सामने हैं, अमेरिका की तरफ से हमारे को ऊपर प्रेशर तो ज़रूर आ रहा है, आईएमएफ का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन वो पुरउम्मीद थे कि जी हम कोशिश कर रहे हैं। जब मैं गया उस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएस में वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बात हुई कि मामला काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो एक बदन बोली बॉडी लैंग्वेज कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर काफी पर उम्मीद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान काफी पर उम्मीद हैं, टाइम पूरा करेंगे अल्बत्ता 2023 के अंदर उनकी के होता क्या है। खबर घुमन बहुत शुक्रिया आपका।